होए, कोई नहीं देख रहा, आज फोटोग्राफर ही बन लिया जाए। आ, ये तो केक है। अरे अबीर, चौक गए ना, आखिर चौकेंगे भी क्यों नहीं, जब देखते ही देखते कैमरा बन गया केक। और ये टेस्टी सरप्राइज सर्व करने वाली मोहतरमा है पुणे की तन्वी पाल शिखर, जो बनाती हैं गजब के लाइफ लाइक केक्स, जिन्हें देखकर हर कोई कहता है OMG। दोस्तों, यूं तो इंडिया में न जाने कितने बेकर्स हैं, लेकिन तन्वी सिर्फ बेकर नहीं, ये है एक केक आर्टिस्ट, जिन्होंने अपने पैशन से एक हॉबी को यूनिक आर्ट में बदल दिया, वो भी बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के। मैं काम करती थी इंटीरियर डिजाइनिंग का, तो ऑफिस के बाद मैं घर आके ऐसे ही केक बनाती थी ट्रायल के हिसाब से। किसी ने मुझे ऐसे ही बोल दिया एक दिन, ऑर्डर क्यों नहीं ले लेती। तो मैंने ऑर्डर लिया, पहला ऑर्डर लिया। उसके बाद ऑर्डर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई। उस टाइम हमने डिसाइड किया कि आई विल क्विट द जॉब एंड ये फुल टाइम करूँगी घर से। इन OMG केक्स को बनाने में तन्वी की इमेजिनेशन के अलावा एक और की इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होता है, फॉन्डेंट आइसिंग। फॉन्डेंट एक शुगर डो होता है, जो आइसिंग शुगर, ग्लूकोस और स्टार्च से बनता है। केक आर्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फॉन्डेंट, उसके बिना मैं जो शेप दे सकती हूँ या फिर जो फिनिश आता है केक में, वो नहीं आ सकता। उसके बाद सारा कमाल डिटेलिंग का है, जिसमें तन्वी को 7 से 8 घंटे लग जाते हैं, और जब कभी मल्टीपल टीयर्स वाले केक बनाने पड़ जाए ना, तब तो 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं। OMG! केक बनाना तो एक्चुअली ज्यादा टाइम का काम नहीं है, बट जो स्प्रे है या कलर है, वो जो फील है, 3D इफेक्ट है, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है, तो डिटेल में जाना पड़ता है हर एक चीज के। इन लाइफ लाइक केक्स को पेंट करने के लिए तन्वी एडिबल कलर्स का ही इस्तेमाल करती है। चेतावनी, आपके सामने रखी वस्तु केक हो सकती है, कृपया उठाने से पहले अच्छी तरह जांच लें। हाँ, बोलना पड़ता है, अब क्या करें, तन्वी के केक्स हैं ही इतने रियलिस्टिक। इस बैग को ही ले लो, लगता है अभी कोई मोहतरमा आएंगी और उठा कर ले जाएंगी। ये समोसा, OMG, कौन कहेगा कि अभी अभी कढ़ाई से नहीं निकला। और पल्लू देख के सारी समझे क्या, केक की कलाकारी है मैं। और ये कलाकारी ही थी जो उनके कस्टमर्स के दिल को छू गई। मुझे अपने जन्मदिन पर एक बहुत अच्छा और सुंदर केक चाहिए था, तो जिस तरीके से उसने 3D केक बनाया सारी का, वो भी पैटर्नी, तो मुझे बहुत पसंद आया। सबसे ज्यादा टाइम मुझे पेंटिंग में लगा उसमें, और ज्वेलरी बनाना, वो सुखाना, ये सबसे डिफिकल्ट है उसमें। जो पैठानी केक था, काफ़ी वायरल हुआ, लोगों ने काफ़ी उसको सराहा, वो एक स्टेटमेंट जैसा हो गया हमारे होटल के लिए। एवरीबडी स्टार्टेड कमिंग एंड आस्किंग अबाउट दैट पर्टिकुलर केक। ये तन्वी का OMG टैलेंट और अपने क्राफ्ट को लेकर उनका पैशन ही है कि आज बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के वो पुणे के एक बड़े 5-स्टार होटल में पेस्ट्री सू शेफ हैं। तन्वी अपने इन केक्स की कलाकारी को अब नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहती हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं इंटरनेशनल केक आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँ, और मेरा ऐसा सपना है कि मैं खुद का केक स्टूडियो खोलूँ, जहाँ पे सिर्फ कस्टमाइज केक्स और 3D केक्स ही रहेंगे। लोगों को अम्यूज भी करे और अमेज भी, आर्ट और स्वाद का ऐसा OMG कॉम्बिनेशन कम ही लोग क्रिएट कर पाते हैं, मगर तन्वी ने अपनी केक आर्ट से ये फॉर्मूला बेक कर ही लिया है। देखिए, हमारी एक ही ख्वाहिश है कि आप अपने लाइफ लाइक केक से हमारी जिंदगी में स्वाद और मिठास बांटती रहें। OMG, मेरा इंडिया।